नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज 11 भारत, साथ मैं हूं पुनीता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएं। गुमला पुलिस ने गुमला थाना क्षेत्र के कोई जरा गाजी टोली से अवैध रूप से संचालित मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। साथ में इस काम में लगे चार लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति में संदीप हजाम, रवि साहू, हरि गोप और कुलदीप राणा शामिल है। ये मिनी गन फैक्ट्री उग्रवादी संगठन PLFI और अन्य स्थानीय अपराधियों के हथियार सप्लाई करता था। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किए हैं। तो गुमला पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बताएं कि अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इस काम में लगे चार लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ भारी संख्या में यहां पर गन भी बरामद किए गए हैं। तो अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा गुमला में हुआ है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। आपको बताएं कि गुमला थाना क्षेत्र के कोई जरा गाजी टोली से अवैध रूप से संचालित मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। तो बड़ी सफलता गुमला पुलिस के हाथ लगी है। आपको बताएं कि साथ ही में चार लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और इस काम में जो लोग थे सभी की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तार व्यक्ति में संदीप हजाम, रवि साहू, हरि गोप और कुलदीप राणा शामिल है। ये मिनी गन फैक्ट्री उग्रवादी संगठन PLFI और अन्य स्थानीय अपराधियों को हथियार सप्लाई करता था। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किए हैं। तो बड़ी सफलता गुमला पुलिस के हाथ लगी है। आपको बताएं कि अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा यहां पर हुआ है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोली भी बरामद किए हैं। साथ ही साथ चार लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा गुमला में हुआ है। पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है, बड़ी कामयाबी। अवैध मिनी फैक्ट्री का खुलासा यहां हुआ है। अवैध गन मिनी फैक्ट्री का खुलासा यहां पर हुआ है। आपको बताएं कि भारी मात्रा में पुलिस ने यहां पर हथियार और गन बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो चार लोग इस काम में शामिल थे, सभी की गिरफ्तारी हो गई है। और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उसका नाम संदीप हजाम, रवि साहू और हरि गोप और कुलदीप राणा बताया जा रहा है। ये मिनी गन फैक्ट्री उग्रवादी संगठन PLFI और अन्य स्थानीय अपराधियों को सप्लाई करता था। और ज्यादा जानकारी लेंगे, रणधीर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रणधीर, सबसे पहले तो यही जानकारी दे कि किस तरीके से पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। जी, मैं बता दूं कि गुमला क्षेत्र में लगातार हथियारों का जखीरा पूर्व में भी बरामद हुआ है और यहीं से हथियारों की सप्लाई की जाती थी, लेकिन यह कहां से आता था यह पुलिस को जानकारी नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जो मिनी गन फैक्ट्री का उद्बोधन किया गया है, जिससे यह पता चल पाया है कि गुमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के गन फैक्ट्री का संचालित हो रहा है और इस गन फैक्ट्री से कई सफेद पोश लोग भी हथियार अवैध रूप से खरीदे हैं। पुलिस इस बिंदु पर भी अब जांच करेगी, जहां पुलिस को कई देसी बंदूक, पिस्तौल बनाने वाले कई मशीन और पाइप भी बरामद हुए हैं। और इसके सरगना माने जो कहा जाता है कुलदीप राणा को जो हथियार बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ में संदीप हजाम, रवि साहू और हरि गोप को भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। देखिए, चार लोगों की गिरफ्तारी हो गई, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है कि कितने लोग और इसमें शामिल थे? जी, ये बहुत बड़ा रैकेट है। अभी अनुसंधान पुलिस कर रही है, पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती है, इस तरह के अनुमान लगाया जा रहा है। अभी पूछताछ जारी है। अवैध, कितने दिनों से ये अवैध काम चलता आ रहा था रणधीर, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? जी, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वर्षों से यह अवैध रूप से हथियार बनाया जा रहा था, लेकिन पुलिस के जानकारी से ये बाहर का था। पुलिस बहुत दिनों से इस पर अनुसंधान कर रही थी, पता लगा रही थी, लेकिन आज अहले सुबह थाना प्रभारी शंकर ठाकुर को
के द्वारा छापा मारी। चलिए रणधीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुमला की खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में यहां से हथियार बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ चार लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और जिस तरीके से जानकारी मिल पाई है कि काफी सालों से ये काम चलता रहा था, ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि जिला प्रशासन के नाक के नीचे इस तरीके के काम हो रहे थे, लेकिन इसकी खबर नहीं लगी। और यही इससे एक सवाल उठता है कि अभी भी जिला प्रशासन को अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। तो गुमला की खबर, इस काम में लगे चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा गुमला में हुआ है, और पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, साथ ही साथ चार लोगों को गिरफ्तारी हुई है और कई लोग इसमें शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से खबर जानकारी हमारे संवाददाता ने ली है कि अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है।